चलिए शुरू करते हैं सो गाइज आज हम लोग गूगल क्रोम एक्सटेंशन लाए जो काफी अच्छे हैं स्टूडेंट्स के लिए और जो ऑफिस वर्क है उनके लिए भी अच्छे हैं। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन जाने से पहले तब तक सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। सो चलिए स्क्रीन पे स्क्रीन में आ गए अपने पीसी की। सो चलते हैं क्रोम पे और जैसा कि हम लोग क्रोम एक्सटेंशन के ही दिखाने हैं तो सबसे पहले नंबर पे आता है एड ब्लॉकर, जो मैं सबसे ज़्यादा प्रेफर करता हूँ कि यूट्यूब में जब सबसे ज़्यादा ऐड देखने में टाइम जाता है तो सबसे बढ़िया है। और तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे एड ब्लॉकर फॉर क्रोम। तो इसके लिए इसकी साइट सबसे पहले जो खुल जाएगी एड ब्लॉकर बेस्ट ब्लॉकर फॉर गूगल क्रोम, ये वाली आपको खोल लेनी है। तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा ऐड टू क्रोम का, तो ऐड कर लीजिएगा यहाँ से और सिंपली ये ऐड हो जाएगा। ऐड एक्सटेंशन कर लीजिए यहाँ से और फिर बस ये एक्सटेंशन ऐड हो गया है। कुछ लोडिंग दिखाएगा, मतलब अपने पेज में ले जाएगा, इंस्टॉल हो रहा है ये भी और बस इंस्टॉल हो गया। और इसको चाहे तो आप खरीदें, खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कह नहीं रहा हूँ कि खरीदिए। और फिर आप कभी अभी YouTube में जाएंगे तो मतलब अभी मैं कोई वीडियो चला के दिखा नहीं सकता, पर चलिए मैं दिखा देता हूँ NCS। तो यहाँ पर जैसे इन पर ऐड आता है शुरू में, देखिएगा ऐड नहीं आएगा, ये देखिए जैसा कि ऐड नहीं आया है देख सकते हैं हम लोग साफ साफ। तो सबसे पहला एक्सटेंशन यही है जो सबसे ज़्यादा यूज़फुल है। सो गाइस चलिए बढ़ते हैं दूसरे एक्सटेंशन की तरफ। दूसरे एक्सटेंशन का नाम है मर्क्यूरी रीडर, तो चलिए इसको ऐड कर लेते हैं अपने वेब ब्राउज़र में। तो मैं सीधे लिखता हूँ मर्क्यूरी एक्सटेंशन, मर्क्यूरी रीडर सॉरी, तो सबसे ऊपर आ जाएगा ये, जैसा कि देख सकते हैं मर्क्यूरी रीडर। और मैंने इसको ऐड कर रखा है, तो आप लोग यहाँ से पहले ऐड कर लेंगे जैसे आप लोग ने गूगल ऐड ऐड ब्लॉकर ऐड किया था, यहाँ से जैसे ऐड कर लेंगे। और फिर जैसे आप लोग उन लोग के लिए काफ़ी अच्छा ये है जो मतलब विकीपीडिया में ज़्यादा काम करते हैं, कोई स्टूडेंट है उनको कभी अपना कोई वर्क करना होता है तो विकीपीडिया में वो लोग करते हैं। तो चलिए हम लोग किसी भी चीज़ का भी विकीपीडिया देख लेते हैं, सुंदर पिचाय का भी विकीपीडिया देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं कि कितना वाइट है, मतलब ज़्यादातर लोग इसको पढ़ेंगे तो आंखों में कुछ ज़्यादा इफेक्ट होगा। तो हम लोग इसको ऑन कर लेते हैं जैसा कि आप साफ साफ आप लोगों को दिख जाएगा। तो स्टार्ट यूजिंग मर्क्यूरी रीडर। तो अभी ये सारे इसने जितने भी ऐड थे अगल बगल के सारे हटा दिए और सारी बेकार चीज़ें हटा दी जिससे हमारा डिस्ट्रैक्शन हो सकता था। तो अब ये सिर्फ मेन जो कंटेंट है वही दिखा रहा है हम लोग को और इसमें काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं। तो गाइस चलिए बढ़ते हैं तीसरे एक्सटेंशन की तरफ। तीसरे एक्सटेंशन का नाम है TOSDR.org एक्सटेंशन। ये काफ़ी अच्छा एक्सटेंशन है, जैसा कि आप लोग को अपनी डेली लाइफ में काफ़ी साइट्स में लॉगिन करना पड़ता है तो उसमें टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं कई तरीके के, तो आप लोग टिक करके आगे बढ़ जाते हैं। तो गाइस ये काफ़ी मतलब यूजफुल एक्सटेंशन है, ये आपको उस साइट के बारे में बता देता है कि किस तरीके की साइट है, किस ग्रेड की साइट है। जैसे कि ग्रेड ई साइट आती है यूट्यूब पे, ग्रेड ई यूट्यूब पे आता है, जैसे मैं दिखा देता हूँ आपके स्क्रीन पर। तो जैसा कि यूट्यूब गाइज ग्रेड ए के एक्सटेंशन में आता है, तो अभी दिखाएगा आपको, देखेगा ये देखिए जैसे ग्रेड ई दिखा दिया यहाँ पे। तो गाइज जैसा कि होता है कि इसमें हम लोग अपना लॉगिन कर लेते हैं हम लोग बिना एक्सटेंशन टर्म्स एंड कंडीशन पढ़े। तो होता क्या है कि जैसे हम लोग किसी भी तरीके किसी भी यूट्यूबर का वीडियो देख रहे हैं तो उसको सजेस्ट करने लगता है हम लोग को। तो ये हम मतलब काफ़ी बार होता है कि हम लोग कभी फेसबुक में देख रहे होते हैं कुछ तो उसका ऐड दिखाने लगता है, कभी हमने अमेजोन पे देखा तो कुछ दिखाने लगता है, बस यही होता है। और इसको ऐड करने से आपको पता चल जाता है कि साइट में मतलब कैसी साइट है, और ग्रेड ए की साइट सबसे अच्छी साइट होती है और ग्रेड ई सबसे बेकार साइट होती है जो